फ्रेंड, बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लासिक 500 का एक्सीलेटर केबल बताने जा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए परेशान रहते हैं कि कैसे लगाए। हमारे राइडर भाई कभी कभी रास्ते में फंस जाते हैं, तो आपको टंकी तो ओपन करना ही होता है, और 350 का केबल जो होता है यहाँ से सिंगल होता है, 20 से आगे डबल हो जाता है, और इसका जो होता है ऑलरेडी डबल ही होता है, यहाँ से एक्सीलेटर के ग्रिप से लेके FI तक डबल ही जाता है। ये देखिए, इसका डबल केबल है, ये इसका दो केबल है, ये देखिए यहाँ पे से दो है, और ये पूरा दो होता है। अब इसको देखिए, केबल हम निकालेंगे, इसके बाद दूसरा लगाएंगे। ये देखिए, पहले हमको इस तरीके से इसको निकालना होगा, नीचे वाला। कभी कभी क्या होता है, बहुत तकलीफ देता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं, एक पहले आपको नीचे वाला निकालना होगा, उसके बाद ये आराम से अपना निकल जाता है। ये देखिए, केबल हमारा ये निकल गया यहाँ से। देखिए, नया केबल हम इसको बॉडी को अटैच कर रहे हैं। पहले ऊपर लगेगा, पहले ऊपर क्लिप में आपको पहले लगा लेना होगा। अब देखिए, ऊपर केबल हमारा लग गया है, एक आगे एक पीछे है। अब आपको ये देखना होगा कि आगे वाला कौन सा है। ये आगे वाला है, ये यहाँ पे ऊपर लगेगा, ये साइड में आपको ऊपर रखना होगा। ये ऊपर आगे का केबल है, जो ये हमारा यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से आप इसको लगेगा, और इसके जो दो नट है, एक आपको ऐसा ढीला करके यहाँ पे डाल देना होगा। डालने के बाद यहाँ फिट होगा केबल। अब इसके बाद ये देखिए, वर्किंग चालू हो गया, ये देख रहे हैं। लेकिन अब नीचे वाला जब आप लगाएंगे, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको आएगी लगाने में, ये देख रहे हैं। थोड़ा सा आपको खींचातानी करना पड़ेगा, ये देखिए, थोड़ा सा आपको खींचातानी करना पड़ेगा, उसके बाद लग जाएगा ये आराम।
से फिर आपको एडजस्ट करना होगा कितना केबल की ज़रूरत है, कितना प्ले देखिए आप इसको, आपको इस तरीके से थोड़ा सेट करना होगा। ये देख रहे हैं ये आपको इसमें 12 नंबर का पाना लगेगा। केबल फिट हो गया, इस तरीके से आपको केबल लगानी होती है, देख रहे हैं ये केबल एकदम सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, इतना प्ले रहेगा तो टर्न वन मारने में, स्टेयरिंग में जब आप टर्न मारते हैं तो केबल खिंचता है, तो हिसाब से ये सही काम करेगा। ये हमारा एक लेटर केबल क्लासिक 3 500 का फिट हो गया। और ये भी जो पैसा लगा आपको